सामाजिक का मतलब है कि आप समाज में उठने बैठने के साथ साथ समाज की बातों को भी समझें और समाज आपके विचारों को समझता है। लेकिन सामाजिक होना इतना आसान नहीं होता। अगर आप समाज की भावनाओं को समझकर कार्य करें तो आपके विचार समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अब यहीं से आपका सफर इतना लंबा हो गया कि विधानसभा की ग्राम पंचायतों के संभालते संभालते एक दिन आपको देश की पंचायत को संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यह किसे पता था। अब आपको समझाते हैं कि हम किसके बारे में और कौन सी पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा के स्पीकर और देश की पंचायत के सरपंच है। बात अगर देश की पंचायत की जाए यानी लोकसभा की, तो लोकसभा का अध्यक्ष कहना ठीक रहेगा। ओम बिड़ला का नाम इससे पहले राष्ट्रीय राजनीति में कभी सुर्खियों में नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय ने ओम बिड़ला को लोकसभा का दूसरी बार स्पीकर बनाए जाने के बाद सभी को चौंका दिया था। ओम बिड़ला संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ओम बिड़ला भारतीय जनता पार्टी के 18वीं लोकसभा में सांसद है, जो राजस्थान के राज्य कोटा बुंदी निर्वाचन क्षेत्र से है। ओम बिड़ला कोटा दक्षिण से राजस्थान विधानसभा के तीन बार के सांसद ओम बिड़ला को जब लोकसभा का दूसरी बार अध्यक्ष चुना तो बीजेपी ने यह संदेश दिया कि अहम पदों के लिए सिर्फ अनुभव ही नहीं और भी समीकरण मायने रखते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जब गुणवत्ता, निपुणता और तत्परता पर सबसे अधिक फोकस करने की बात कही थी, तभी यह संदेश दिया था कि वरिष्ठता की जिम्मेदारी सौंपने का एकमात्र पैमाना ही नहीं है। वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ओम बिड़ला को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाने के पीछे की वजह लोग आज भी तलाशने में जुटे हुए हैं, पर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ओम बिड़ला के कम अनुभव के सवाल पर कहा जा रहा है कि वह राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लीक से हटकर कई पहल की। 2014 में कई संसदीय समितियों में रहे। इसके अलावा उनकी प्रबंधन क्षमता भी अच्छी है, बड़े नेताओं से रिश्ते भी अच्छे हैं, ऊर्जावान भी है। इन सब कारणों से उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक निजी जीवन के बारे में। तो ओम बिड़ला का जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में हुआ था और एक साधारण परिवार में हुआ। ओम बिड़ला के पिता का नाम स्वर्गीय श्री कृष्ण बिड़ला है। उनके माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी है। ओम बिड़ला एक हिंदू परिवार से आते हैं। बचपन कोटा में बीता है। अगर बात शिक्षा की करें तो ओम बिड़ला ने अपनी स्कूली शिक्षा कोटा से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से कॉमर्स में मास्टर डिग्री हासिल की। 1991 में ओम बिड़ला ने परंपरागत हिंदू रीति रिवाज से अमिता बिड़ला से विवाह किया। इनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर है, उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली है। उनकी दो बेटियां हैं, जो कि पढ़ाई में कुशाग्र होने के कारण वर्तमान में आज बड़े बड़े पदों पर आसीन है। शुरुआत से ही राजनीति में गहरी रुचि रही है। वह छात्र जीवन से ही आरएसएस से भी जुड़े हैं। वह संघ की विचारधारा को बढ़ाने में भी आगे रहे हैं, इसी कारण वह छात्र राजनीति से जुड़ गए। छात्र राजनीति में रहते हुए ही उन्होंने साल 1987 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर आसीन हुए। फिर साल 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद साल 2003 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जब वे राजस्थान विधानसभा परिषद के सदस्य थे तो उस समय से उन्होंने विभिन्न माध्यमों के द्वारा सामाजिक सेवा, राष्ट्र सेवा, गरीब, वृद्ध, विकलांग और असहाय महिलाओं की सहायता करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से विकलांग कैंसर रोगियों की मदद की है। विकलांगों को मुफ्त साइकिलें, व्हील चेयर और कान की मशीनें प्रदान की। बढ़ते प्रदूषण और हरियाली में कमी के लिए कोटा में लगभग 1,00,000 पेड़ लगाने के लिए उन्होंने एक प्रमुख ग्रीन कोटा वन अभियान लॉन्च किया। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की एक प्रमुख योजना
तैयार करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। ओम बिड़ला की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने अब तक जितने भी चुनाव लड़े उन्हें सभी में विजय हासिल हुई। इसके साथ ही वह जन कल्याण से जुड़े कार्यों को भी करने में आगे रहे। इतना ही नहीं, वह किसी भी विवाद से आज तक दूर रहे हैं। अब यही कारण है कि वह जनता के बीच अधिक लोकप्रिय है। उन्हें लगातार जीत मिल रही है और इसी से पता लग रहा है कि उनका राजनीतिक सफर बहुत आगे जाने वाला है। धन्यवाद।